काकोरी कांड का ऐतिहासिक दिन 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को रेल से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया था। यह कांड काकोरी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध है। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने के लिए पूरी योजना बनाई गई। वह स्वतंत्रता संग्राम का तब तक का सबसे दुस्साहसी कारनामा था जिससे अंग्रेज सरकार सकते में आ गई थी। शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के एक ही प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुट्टी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगी की मदद से गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना मौजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मन्मथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश मौजर का ट्रिगर दबा दिया जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई और मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर तत्सुक हुसैन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तरार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम कालापानी का दंड दिया गया था।